प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के भूगोल विषय में अगला अध्याय ग्लोब और मानचित्र में आज मानचित्रों के प्रकार, मानचित्र की भाषा, शीर्षक तथा मापनी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मानचित्रों के प्रकार, मानचित्र, मापनी, स्थलाकृति, लक्षणों की मात्रा, रचना शैली तथा उद्देश्य के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार के मानचित्र इस प्रकार हैं। नंबर 1, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी सतह की भू आकृतियाँ जैसे पठारों, पर्वतों, मैदानों, नदी, महाद्वीपों एवं महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र, ऐसे मानचित्र जिनमें राज्यों तथा विश्व के विभिन्न देशों की सीमाएं दर्शाई जाती हैं, उन्हें राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। नंबर 3, विषयक मानचित्र। किसी एक भौगोलिक तथ्य से संबंधित जानकारी देने वाले मानचित्र विषयक मानचित्र कहलाते हैं, जैसे कृषि मानचित्र, सड़क मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वन एवं उद्योग मानचित्र आदि। नंबर 4, एटलस। यह एक पुस्तक के रूप में होती है जिसमें अनेक प्रकार के मानचित्र होते हैं। आगे देखिए, मानचित्र की भाषा। जिस प्रकार किसी लेख को समझने के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार एक मानचित्र को समझने के लिए 5 तत्व आवश्यक होते हैं। शीर्षक, मापनी, दिशाएं, अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल एवं 5 चिन्ह। इन तत्वों को मानचित्र की भाषा कहा जाता है। इनकी सहायता से किसी भी मानचित्र का अध्ययन, विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। नंबर 1, शीर्षक। मानचित्र के शीर्षक से हमें तुरंत यह जानकारी मिल जाती है कि उस पर क्या बातें दिखाई गई हैं। जैसे भारत के भौतिक मानचित्र से यह स्पष्ट होता है कि उस पर धरातल संबंधी लक्षणों जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि को प्रदर्शित किया गया है। वनस्पति मानचित्र पर किसी देश या क्षेत्र की वनस्पतियां प्रदर्शित की जाती हैं तथा जनसंख्या मानचित्र पर जनसंख्या संबंधी विवरण अंकित होते हैं। नंबर 2, मापनी। पृथ्वी पर स्थित सभी स्थान दूर दूर हैं। इनकी वास्तविक दूरियों को हम एक सीमित कागज पर नहीं खींच सकते। इस समस्या को दूर करने के लिए हम दूरियों को कागज पर उतारते समय आनुपातिक रूप से कम कर देते हैं। यह कार्य मापनी की सहायता से किया जाता है। मापनी मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मापनी के बिना मानचित्र स्केच मात्र होता है। मापनी का आशय अनुपात से है, जो धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी तथा कागज पर अंकित उनकी दूरी के मध्य होता है। मापनी को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। देखिए, नंबर 1, कथन विधि। इस विधि में मानचित्र पर अंकित बिंदुओं की दूरी को कथन द्वारा स्पष्ट किया जाता है। उदाहरणार्थ,
दिल्ली और मेरठ नगर के बीच की वास्तविक दूरी 65 किलोमीटर है। इस दूरी को यदि मानचित्र पर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी द्वारा दिखाया जाए तो उस मानचित्र की मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होगी, अर्थात मानचित्र पर प्रदर्शित 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। नंबर 2, रेखीय विधि। इस विधि में मापक को एक क्षैतिज रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। इस रेखा को कुछ भागों में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचकर उसे 10 बराबर भागों में बांटा। माना कि प्रत्येक भाग 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। तत्पश्चात बाएं सिरे वाले भाग को 5 उपविभागों में बांट दिया। प्रत्येक उपविभाग 2 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। इस विधि को ही रेखीय विधि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी मानचित्रों के प्रकार, मानचित्र की भाषा, शीर्षक तथा मापनी को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।